नोएडा की शाबेरी हादसे में बड़ी अपडेट दे देते हैं, जिसमें आज एक और शव निकाला गया है, जिसमें अब मरने वालों की संख्या 9 पहुंच गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, अब से थोड़ी देर पहले एक और शव को वहां से निकाला गया है। मामले में पुलिस ने 24 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। काम में लापरवाही बरतने पर योगी सरकार ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के 2 अफसरों को सस्पेंड भी कर दिया है, और साथ ही बताया कि दोनों आरोपी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही इस पूरे मामले की जांच मेरठ कमिश्नर को सौंपी गई है। वहीं योगी सरकार ने हादसे में मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। तो 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान कर दिया गया है। एक बड़ा हादसा मंगलवार रात 9 बजे की घटना, जब 2 बिल्डिंगें हैं जो भभराकर जमींदोज हो जाती हैं, धराशायी हो जाती हैं। एक बिल्डिंग पुरानी थी, जबकि एक बिल्डिंग पर काम चल रहा था। और राकेश, ये भी खबर सामने आई कि अभी कुछ और शव जो है वो मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। बिल्कुल, आज सुबह सुबह एक शव निकाला गया है, जिससे मरने वालों की कुल तादाद 9 तक पहुंच गई है, और आशंका ये है कि अभी इसमें और शव दबे हो सकते हैं। हालांकि ठीक तौर पर कितने शव हो सकते हैं इसकी कोई जानकारी है नहीं। इस उम्मीद में वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है कि शायद कोई जिंदगी बची हो, लेकिन जिस तरीके से यह हादसा हुआ, जिस तरीके से बिल्डिंग वहां पर धराशायी हुई है, उसको देखकर लगता नहीं कि शायद कोई अंदर बचा होगा। इस बीच इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है, नामजद एफआईआर दर्ज की गई है, 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो 24 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर दी गई है, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और बाकी के लोगों की तलाश जल्दी ही की जा रही है, उन्हें भी धर दबोचा जाएगा। लेकिन आपको बताएं कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सुबह की तस्वीरें हैं, जहां पर राहत और बचाव का काम अभी भी बहुत तेजी से चलाया जा रहा है। 9वां शव निकाला गया है, और लोग आप देख सकते हैं बाहर अभी भी इस उम्मीद में है कि शायद कोई जिंदगी, कोई चलती सांसें इस मलबे से बाहर निकल आए। मोहित ओम हमारे सहयोगी लगातार वहां पर मौजूद हैं, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साबेरी में लगातार रेस्क्यू जारी है, और जो लाशें निकलने का सिलसिला है वो भी जारी है। इस वक्त 9वीं लाश जो है निकल चुकी है। सुबह जो ये अब लाशें निकली है, बताया जा रहा है एक पुरुष की लाश है, और जो बैठी हुई अवस्था में निकली हुई लाश थी, आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम जो है वो इस वक्त लाश को यहां से लेके जा रही है, सीधा एम्बुलेंस शव वाहन में ले जाया जाएगा, जहां पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा। आपको बताना चाहेंगे पिछले 33 घंटे से लगातार रेस्क्यू चल रहा है, और अब एनडीआरएफ की टीम को यहां पे लग चुका है कि यहां पे किसी के भी जिंदा रहने की उम्मीद ना के बराबर है। तो रेस्क्यू में यहां पे काफी तेजी लाई गई है, और अब मलबे को जल्दी से जल्दी हटाया जा रहा है। कल से जो रेस्क्यू चल रहा था वो इस तरीके से रेस्क्यू चलाया जा रहा था कि किसी के भी जिंदा रहने की यहां पे उम्मीद हो सकती है, तो मलबे को काट काट के बाहर निकाला जा रहा था। फिलहाल अब जो है एनडीआरएफ की टीम को यहाँ पे कोई उम्मीद ये नहीं बची है कि यहाँ पे कोई भी इस बिल्डिंग के अंदर अब जिंदा बचा होगा, और अब जो रेस्क्यू है वो काफी तेजी से किया जा रहा है, और तेजी से यहाँ पे मलबा हटाया जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे कल जो लोग आ रहे थे, जो परिजन आ रहे थे, उनके मुताबिक अभी भी इसके अंदर करीबन 10 से ज्यादा लोगों की होने की और उम्मीद है, क्योंकि 6 मंजिला इमारत थी, और बगल में जो 2 मंजिला इमारत थी वो निर्माणाधीन थी, जिसके अंदर मजदूर काम कर रहे थे। फिलहाल एनडीआरएफ का जो ऑपरेशन है वो अभी भी चालू है यहाँ पर, और यहाँ पे जो बाकी जो प्रशासन की टीम है वो भी मुस्तैद की गई है, और एनडीआरएफ का कहना है कि इसके अंदर और लाशें निकाली जा सकती हैं। कैमरामैन शिवली के साथ मोहित ओम, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो हमारे सहयोगी मोहित ओम की आप रिपोर्ट देख रहे थे, और इस समय ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद है मोहित ओम खुद। मोहित, इस वक्त की ताजा अपडेट आपसे लेना चाहेंगे, राहत और बचाव का काम कितनी तेजी से चल रहा है, क्या अपडेट है? आपको हम पीछे दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त जो राहत बचाव का कार्य है वो काफी तेजी से चल रहा है। अब जो जेसीबी मशीन है वो 2 जगह काम कर रही है, दोनों जगह से मलबे को तेजी से हटाया जा रहा है। एनडीआरएफ का कहना है कि अब यहाँ पे किसी के भी जिंदा रहने की उम्मीद ना के बराबर है, इसलिए इस मलबे को तेजी से हटाया जा रहा है कि जिससे जो अंदर जो लाशें फंसी हुई हैं उनको जल्दी से निकाला जाए यहाँ पे। एनडीआरएफ की जो टीम है उसकी भी यहाँ पे काफी संख्या बढ़ा दी गई है, क्योंकि अब जो ऑपरेशन है वो काफी तेजी से शुरू किया गया है। आपको बताना चाहेंगे जब सुबह हम यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे एक लाश हमें निकाली गई है, कुल मिला के 9 लाशें यहाँ पे हो गई है। एक द्विवेदी फैमिली जो थी वो पूरी तरह जो सारे मेंबर उसके निकाले गए हैं, और साथ ही जो 3 भाई आए थे यहाँ पे, जो मजदूर जहाँ काम कर रहे थे, उनकी भी यहाँ पे लाशें मिल चुकी हैं। बाकी यहाँ के जो परिजन है, कुछ लोगों के यहाँ पे खड़े हैं, जिनका कहना है कि अभी भी हमारे जो लोग हैं वो यहाँ पे अभी भी गुमशुदा हैं, उनके बारे में नहीं पता लग पा रहा है। एनडीआरएफ की टीम जो है अभी भी डॉग स्क्वाड को यहाँ पे रखा हुआ है, और जैसे ही मलबा हटाया जा रहा है तो बाद में डॉग स्क्वाड को वहां ले जाकर पहचान कराई जा रही है कि यहाँ पे कोई और लाइफ के साइन तो नहीं है। फिलहाल जो एनडीआरएफ की टीम है यहाँ पे, उन्होंने ऑपरेशन काफी तेज कर दिया, और मलबे को काफी तेजी से यहाँ से हटाया जा रहा है। चलिए मोहित, फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 9 शव अब तक निकाले जा चुके हैं, और एनडीआरएफ की टीम को अब उम्मीद नहीं बची है कि वहां पर शायद ही कोई जिंदा बचा होगा, लिहाजा अब मलबे को हटाने का काम तेज कर दिया गया है। तेज गति से वहां पर रेस्क्यू होगा, लिहाजा अब मलबे को हटाने का काम तेज कर दिया गया है।
तेज गति से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि जो लाशें नीचे दबी हैं उनको निकाला जा सके। उम्मीद अब ना के बराबर है एनडीआरएफ की टीम को कंचन, अब कोई अंदर बचा होगा।